हाय दोस्तों, द एंशिएंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही हैं। भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। तो आइए आज जानते हैं भारत के इस मशहूर पर्यटन स्थल से जुड़ी कुछ अनजान बातें। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। वैसे तो इस ऐतिहासिक स्थल का नाम एलोरा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे वेरुल लेनी के नाम से जानते हैं। पुराने जमाने में ये एलापुरा के नाम से जाना जाता था, जो अब बदल कर एलोरा हो गया है। पुरातन भारत में यहाँ पर स्थित हर गुफा का नामकरण किया गया था, और हर नाम के आखिर में संस्कृत में गुहा या फिर मराठी में लेना या लेनी लगाया जाता था, और इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है, गुफा। दोस्तों, जिस जगह पर एलोरा है उस जगह की भूवैज्ञानिक संरचना क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी फटने के दौरान बनी बासाल्ट चट्टानों से बनी है। इस जगह को डेकान ट्रैप कहा जाता है, और एलोरा की गुफाएं इन्हीं चट्टानों से बनी है। दोस्तों, डेकान शब्द का ओरिजिन है संस्कृत शब्द दक्षिण, जिसका मतलब है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, और ट्रैप शब्द आया है डच स्वदेश शब्द ट्रैपाजे, जिसका मतलब है सीढ़ियां। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सारी गुफाएं चंद्रा नंदी के पहाड़ियों की खुदाई से बनी हैं। यहाँ की 16 नंबर वाले गुफा में स्थित कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से बनाया जाने वाला मंदिर है। यहाँ की जैन गुफाओं को 9वीं और 10वीं सदी में बनाया गया था, और इन्हें बनाने वाले दिगंबर संप्रदाय के लोग थे। यहाँ के बौद्ध गुफाओं को मठों की तरह बनाया गया है, जहाँ पर हॉल, बेडरूम, किचन और दूसरे कमरे भी हैं। यहाँ की सबसे लोकप्रिय बौद्ध गुफा है गुफा नंबर 10, जिसका नाम चंद्रशाला है। लोग इसे विश्वकर्मा गुफा यानी कि कारपेंटर्स केव के नाम से भी जानते हैं। गुफा नंबर 15 को दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के दीवारों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। गुफा नंबर 21 का एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार पर देवी गंगा और यमुना की मूर्ति है। गुफा नंबर 29, जिसे धूमर लेना भी कहा जाता है, इसकी डिजाइन भारत के मुंबई शहर के पास स्थित एलिफेंटा गुफा से काफी मिलता जुलता है। दोस्तों, ये थी 10 बातें एलोरा के बारे में। कैसी लगी आपको? अपने ख्यालात हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पसंद आई ये वीडियो तो कर दीजिए लाइक, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।